समझो किसी को आंखों की रोशनी कमजोर है, बचपन में जवानी में चश्मा पहनना पड़ता है, तो प्राण मुद्रा का अभ्यास करें, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। बुढ़ापे में 60 साल की उम्र के बाद चश्मा आए तो बात अलग है। जवान लोग 30 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, चश्मा पहनते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है? तो प्राण मुद्रा का अभ्यास करें, हाथ की आखिरी दो उंगलियों का ऊपरी हिस्सा अंगूठे के ऊपरी हिस्से से मिलाकर पहली दो उंगलियां सीधी रखें, इसको प्राण मुद्रा कहते हैं। प्राण मुद्रा में रोज सुबह शाम 5-7 मिनट बैठे तो प्राण शक्ति मजबूत होगी, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। और लाल गाजर की सीजन हो तो उसका रस थोड़ा पिए खाली पेट तो आंखों की रोशनी बढ़िया होगी। हरा धनिया तो अभी भी मिलता है, वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खाएं, सब्जी में ऊपर से डालकर या उसकी चटनी बनाकर, आंखों की रोशनी बढ़िया होगी। चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। प्राण मुद्रा का अभ्यास और ये प्रयोग करें। आश्रम के नेत्रबिंदु भी हैं, आँख में डालें दिन में 2 बार, आँखों की रोशनी बढ़िया रहेगी। और जिनको आंखों की रोशनी ज़्यादा कमज़ोर है वो रविवार को नमक मिर्च बिना का खाना खाएं, दूध रोटी खाएं, और सूर्य भगवान को तिल के तेल का दीपक जलाकर हर रविवार को दिखाएं और अर्घ्य दें, तो आंखों की रोशनी बढ़िया होने लगेगी, चश्मे का नंबर कम होता जाएगा और चश्मा उतर भी सकता है। कभी भी जीवन में निराश न हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे हमेशा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नहीं, मनुष्य दुर्बलता के विचार करके जीत की संभावना को हार में बदल देता है, स्वास्थ्य की संभावना को बीमारी में बदल देता है और मुक्ति की संभावना को मौत में बदल देता है। ये नादानी है, ना समझी है, ना समझी सत्संग से दूर होती है। कई लोग